Thank you.
भागवत का महात्म्य सुनो। भागवत का महात्म्य उस दिन
थोड़ी थोड़ी हिंट दे कृष्ण ने, ठीक अभी ये कर लो ये मैं क्या सोच तो मैं ज्ञान विराम से ज्ञान अंजने चला गया चक्षुर निमित्तम येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवस्य नमो कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपी सह गोपी कांत श्री राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान देवी वृंदाय कृष्ण भक्ति देवी सत्यवती नम नम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रिया द्वैत गदाधर बोल हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म मित्रिला वरविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सिद्ध श्री श्री श्रीमद्भक्ति श्री सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत गति साष्टांग दंडवत प्रणाम करना। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म मित्रिला वरविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सिद्ध श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण कर उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को जता जी हरे कृष्ण। हम लोग आज श्री राय रामानंद संवाद को विषय के ऊपर थोड़ी सी सुनेंगे, कल से ठीक से कभी ये राय रामानंद संवाद कभी ये जो कथा श्री चैतन्य चरितामृत में ये कथा आती है तो सुन लो कथा तो पढ़ लेना गुरुदेव का ग्रंथ भी इसलिए ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में ये कथा यदि चैतन्य चरितामृत ग्रंथ हमारे संप्रदाय में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसलिए प्रभुपाद कभी अपना शिष्यों को प्रश्न किया बताओ तो ऐसे कौन सा ग्रंथ है जो पृथ्वी में केवल एक ही ग्रंथ रहे और सारे ग्रंथ जगत से अंतर ज्ञान हो जाए और एक ग्रंथ सारे ग्रंथ का अभाव पूर्ण करे। प्रभुपाद अपने शिष्यों को पूछा किसने बोले श्रीमद् भागवत किसने बोले भगवत गीता है किसने बोले वेद है सबके सब अलग 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 बात होती है लेकिन प्रभुपाद ने कहा नहीं कभी ये चैतन्य चैतन्य ये ऐसे एक अनमोल ग्रंथ है हमारे संप्रदाय में एक ग्रंथ रहेगा तो सारे ग्रंथ का अभाव यही ग्रंथ को इसलिए जिसको हमारे श्री घटना एल गौर रस नदी कादम्बी साई गौर प्रेम दृष्टि उसमें महापुरुषा भक्तों ने क्या क्या काम किया है वो एक भजन के द्वारा उसमें सब कुछ वर्णन किया है। उसमें बोले कृष्ण दास कविराज रसेरा भंडारी जतने राखेला प्रेम हे मगोमारी। उसको उदाहरण देते हैं कृष्णदास कविराज कौन है बोले रसेर भंडारी रस का भंडार उनके पास है। उन्होंने क्या किया एक सुंदर सोने की कलसी के अंदर में जो प्रेम को बड़ी जत्नपूर्वक जो रखा है कौन सा ग्रंथ है चैतन्य चरितामृत ग्रंथ को एक हेमकुंभ हेमकुंभ मतलब सोने की घड़ा बताए और उसका अंदर में ये प्रेम को उसको जत्नपूर्वक उसके अंदर में उन्होंने भर कर रख दिया है। इसलिए इनका नाम है कविराज कृष्णदास कविराज न कृष्णदास कविराज रसेर भक्त दमा जह कहले चैतन्य चरित्र इसलिए उनको कविराज मतलब कवियों में उनको राजा बताया गया है। इसलिए ये ग्रंथ हमारे संप्रदाय में एक अनमोल ग्रंथ है। यहाँ प्रश्न होता है
चैतन्य भागवत ग्रंथ श्री वृंदावन दास ठाकुर लिख चुके हैं। वृंदावन दास ठाकुर स्वयं व्यास देव कहते फिर चैतन्य चैतन्यमृत फिर ग्रंथ लिखने का क्या जरूरत है, उसमें तो ऑलरेडी लिख चुके हैं। कहते इसलिए जरूरत पड़ा जो चैतन्य भागवत ग्रंथ में महापुरुष जो कथा है उनकी लीला कथा है ना, उनकी लीला कथा है महापुरुष। लेकिन जो लीला कथा है केवल लीला लीला कथा है ना, कभी जब तक कोई सिद्धांत ग्रंथ नहीं हो तो लीला लीला कथा उसका महत्व है, लेकिन उसके साथ साथ में सिद्धांत युक्त होनी चाहिए। इसलिए जितने महापुरुष का भक्त लोग थे तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी को सब लोग प्रार्थना किया अब ऐसे एक ग्रंथ बनाओ जो ग्रंथ में महाप्रभु कौन है, महाप्रभु जगत में क्यों आए, जगत को उन्होंने क्या दिया है, महाप्रभु का अवदान का विचार वैशिष्ट क्या है, हैं। इसलिए जब तक कोई तत्वमूलक ग्रंथ महाप्रभु का विषय पर नहीं हो ना, तब तक ये जो कथा कथा है ना वो फिर तो ऊपर ऊपर से उड़ जाती है। और हमारे संप्रदाय का जो मूल आराधक कौन है, श्री महाप्रभु, हमारे संप्रदाय का मूल आराधक महाप्रभु। इसलिए महाप्रभु के विषय पर हमें ठोस प्रमाण चाहिए, एकदम ठोस प्रमाण चाहिए। महाप्रभु कौन, क्यों आए, भगवान हम उसको क्यों कहते हैं, जगत में तो बहुत सारे भगवान आ रहे हैं और जा रहे हैं, हैं, लेकिन हम भी ऐसे क्या महाप्रभु को भगवान कह रहे हैं। इसलिए कोई सिद्धांत युक्त कथा होनी चाहिए। इसलिए ये सब भक्तों ने प्रार्थना किया तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी सब भक्त लोगों के पास पास में गए और उन्हें पूछे, पूछ करके फिर उन्होंने ये चैतन्य चैतन्यमृत ग्रंथ उन्होंने बनाए। यदि चैतन्य चैतन्यमृत ग्रंथ में गुरुदेव बोलते हैं जैसे भागवत में रास पंचर था क्या, जैसे भागवत को पूरा बताया कृष्ण स्वरूप, उनको कृष्ण स्वरूप, कृष्ण स्वरूप में कहते जैसे एक शरीर है, शरीर में मूल क्या है, मतलब सर उसका चेहरा, चेहरा में उसका मुख मंडल, जैसे ये व्यक्ति अमुक व्यक्ति है, हम कैसे पहचानेंगे ये अमुक व्यक्ति, उनको चेहरा देख रहे, हाथ पैर देख रहे, हम किसको नहीं बता सकते, उनका मुंह का देख करके हम बताते कि भैया ये अमुक व्यक्ति है। कहते उसी तरह भागवत में कहते हैं दशम स्कंद किया भगवान की मुखार, मतलब भागवत का जो सार है ये भगवान की दशम स्कंद है। लेकिन एक व्यक्ति दुखी ना सुखी कैसे पता चलता है, एक व्यक्ति अगर मुस्कुराते हुए दिखेगा ना देखेगा भैया ये आदमी सुखी है, अगर मुंह लटका हुआ देखेगा तो पता चल जाता है ये व्यक्ति दुखी है। तो उसी तरह भागवत में कभी जो रास पंचरता है, भगवान की जो रास पंचरता है कभी तो यही उनकी हंसी है, उनकी हंसी है। इसलिए कहते हैं चैतन्य चरितामृत में भी गुरुदेव कहते हैं उसमें विशेष पांच अध्याय चैतन्य चरितामृत में विशेष पांच टपी है, कहते तो उसमें एक श्री आयरा मंदिर, दूसरा है श्री रूप शिक्षा है, तीसरा है श्री सनातन शिक्षा है, चौथा है कौन है रथ यात्रा है, और जो पंचमा है कभी तो सार्वभौम पता चल के साथ में महाप्रभु का जो वार्तालाप है। इसलिए गुरुदेव कहते इसमें जो ये पांच जो टपिक है ना कभी ये संतो की पंच प्राण है ये चैतन्य चरितामृत, और उसमें एक प्राण है कहते श्री राय रामानंद संभा। यहाँ पर कहते ये चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत में है जो व्यास देव जी ने जो महाप्रभु लीला को वर्णना की है, कहते उन्होंने ये मधुर लीला की वर्णना की चैतन्य चरितामृत में अक्सर करके, उसमें जो लीला है महाप्रभु कौन है, राधा रानी कौन है, उनके भाव क्या है, ये गोपियाँ कौन होती हैं, राधा जी की जो चरम भाव कैसे प्रकट हुआ, ये सब इसी में है। यदि फिर चैतन्य भागवत में कहते इसको वृंदावन दास ठाकुर ने क्यों रचना की नहीं की, और इसको कुछ कुछ कारण बताते हैं कहते ये कृष्ण लीला में कहीं उनको प्यास देव बताई गई और कहीं कहीं बताई गई कुसुमाभि पीड़ा, कृष्ण का एक सखा है जिसका नाम कुसुमाभि पीड़ा, एक सखा का नाम है। कभी जो सखा रस लोग हैं ना वो मधुर रस को बार में नहीं बता सकते,
वो सख्य रस को पर ही बता सकते हैं। इसलिए उन्होंने चैतन्य भागवत ग्रंथ में उन्होंने महाप्रभु लीला लीला कथा को वर्णना किया, लेकिन भागवत चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये राधा जी ने एक यमंजरी है, यमंजरी होने का नाते जो मधुर रस को ये अच्छे तरह से उन्होंने व्याख्या कर पाए, व्याख्या कर पाए। और उसमें श्री राय रामानंद, उसमें एक टॉपिक श्री राय रामानंद, कहते जो राय रामानंद संवाद है, कहते राय रामानंद कौन है, कहते इनको विशा का सत्य बताया, और इनके स्वरूप में चार पांच स्वरूप इनके अंदर में आए, एक तो विशाखा है, कुछ ललिता की कुछ अंश है, एक अर्जुन है, और एक अर्जुना सखी है, और एक है राय रामानंद, कितने हो गए पांच। कहते महाप्रभु का जो परिकर ये पूर्ण है, इसलिए कहते हैं जैसे रूप गोस्वामी है, श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि रूप गोस्वामी जैसे केवल कृष्ण ये जैसे कहते श्री जैसे रूपम मंजरी, कहते ये कृष्ण लीला में रूपम मंजरी है केवल, लेकिन महाप्रभु का जो परिकरण है ये पूर्ण है। जैसे श्री रूप गोस्वामी कहते रूप गोस्वामी रूप में कहते महाप्रभु का लीला में लीला रसास्वादन करते हैं, और रूपम मंजरी रूप में वो कृष्ण लीला में रसास्वादन, और श्री सनातन गोस्वामी महाप्रभु का लीला में सनातन गोस्वामी रूप में, और कृष्ण लीला में कहते श्री लवम मंजरी है। इसलिए कहते जो महाप्रभु का जो परिकर है ना, एक विशेष विशेष वैशिष्ट है, कहते जो व्यक्ति महाप्रभु का परिकरत्व को प्राप्त करेगा, कहते वो एक साथ में वो दो लीला में प्रवेश कर सकता है, एक कृष्ण लीला और एक महाप्रभु। लेकिन जो कृष्ण लीला में केवल जो उनका परिकर केवल कृष्ण लीला में ही रसास्वादन कर सकता, महाप्रभु लीला में नहीं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं महाप्रभु की अनुगत्य में भजन करने का एक विशेष विशेष इसमें महत्व है। इसलिए कहते श्री राय रामानंद शरीर में एक साथ में पांच पांच परिकर एक साथ में श्री राय रामानंद शरीर में आए। इसलिए भले जिस समय श्रीमन महाप्रभु जगन्नाथ पुरी में आए और श्री सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ में उनका साक्षात्कार हुई, और सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को एक साधारण संन्यास समझते हैं, ये एक साधारण संन्यास है। लेकिन जब बोले देखो जब महाप्रभु आए, जब उन्होंने उनका रूप को देखा, क्या सुंदर रूप, 24 साल उम्र संन्यास लिया ना, कृष्ण कितने सुंदर है, राधा रानी कृष्ण सुंदर को मात करने वाले राधा रानी, अगर वो दोनों मिल जाएंगे तो बताओ वो कुछ नहीं होगा। इसके बोले बहु कोटि चंद्र जिनी बदन गल से बनमाला करे धन। इसलिए महाप्रभु का जो रूप है कोटि कंदर पर महाप्रभु का रूप है, क्यों राधा कृष्ण दोनों मिलकर वो एक रूप है, संन्यास रूप देख करके ने काम उम्र में संन्यास ले लिया। संन्यास धर्म कोई साधारण धर्म है? इतना आसानी नहीं संन्यास रहना, और इतने काम उम्र में और इतनी छोटी पत्नी 16-17 साल की, तो विष्णु क्रिया को छोड़ करके और तुमने संन्यास नहीं लिया, संन्यास धर्म रक्षा कैसे करोगे। महाप्रभु तो त्रिनाथ भी सुनिचन धर्म की प्रवर्तक है, हर समय अपने आप को त्रिनाथ भी सुनिचे न तर भी सही सुनना अमानी ना मान दे न देते, हर सही महाप्रभु सबको यथाजुग्य सम्मान देते। तब उन्होंने बताए आप ही बताओ कैसे धर्म को रक्षा कर सकता हूँ, वेदांत वेदांत सुन, क्योंकि जो वेदांत में ये संसार को एकदम नश्वर बताया गया, कैसे ये संसार झूठा है, हाँ ये संसार में जैसे कुछ है ही नहीं, संसार केवल दुख ही दुख संसार है, और झूठे चीज में कैसे कि टाटी पेशाब खून पी इसी शरीर में जीव कैसे आत्मबुद्धि करता है। कहते वेदांत में ना इस शरीर को अत्यंत शरीर को अत्यंत तुच्छ बताया, इसलिए श्री शंकराचार्य का जो है ना उनको जो मोह मुद्गर है, शंकराचार्य की एक मोह मुद्गर है, मोह मुद्गर जानते हो, मोह मतलब होता है माया, मोह संसार में माया, मुद्गर मतलब होता है
जैसे मुद्गर होता है ना, जैसे ध्रुमुस ध्रुमुस होता है, हाँ उसको मुद्गर कहते, ये मुद्गर है इसीलिए इसका मोह मुद्गर है। कहते उन्होंने कब ये मोह मुद्गर को बनाया, कहते शंकराचार्य सब जगह में उन्होंने, सब जगह में जो संन्यास लिए सबको उन्होंने परास्त किया, लेकिन परास्त करते करते उन्होंने एक मुंडन मिश्र था, हम उन्होंने जब सबको परास्त, सबको परास्त कोई जीत नहीं सके। मुंडन मिश्र की उसकी पत्नी थी, जब पत्नी थी उस पत्नी ने बोले तुम मेरे साथ में शास्त्रार्थ करो, मेरे साथ में शास्त्रार्थ करो, लेकिन उन्होंने जो शास्त्रार्थ किए अभी उसने, ये तो ब्रह्मचारी है ना, ये ब्रह्मचारी इनको घर गृहस्थी बारे में कुछ बताई, घर गृहस्थी क्या माया क्या कुछ बताई, तो उन्होंने उनको ये संसारी माया को संबंध संबंध में ये प्रेम का संबंध उन्होंने प्रश्न किया। जब पूछा ये माया प्रेम संसार के संबंध में, वो तो संसार घर गृहस्थी किए ही नहीं, वो उत्तर नहीं दे पाए, उत्तर नहीं दे पाए, अभी तो परास्त हो गए। काम शास्त्र के विषय में पूछा परास्त हो गए, हम परास्त यहाँ पर सारा दुनिया को जय करते करते आए। तो उन्होंने अपना, उन्होंने अपना शिष्यों को बोले देखो मैं कुछ दिन के लिए मैं जा रहा हूँ। हम उनको शिष्यों को बोले कहाँ जा रहे हैं, एक राजा एक रानी थे जो राजा युवावस्था में शरीर छोड़ा, तो शरीर छोड़ा इतने में अभी युवावस्था में शरीर छोड़ा, और शंकराचार्य तो स्वयं शंकर हैं, हाँ शंकराचार्य, इसलिए उन्होंने बोले देखो मेरे जो शरीर को है ना कुछ दिन के लिए मेरे शरीर को एक जगह पर छुपा कर रख लेना, जैसे किसको पता नहीं चले, हैं जैसे किसको पता नहीं चले। और शंकराचार्य ने उन्होंने कुछ श्लोकों को लिखा, उसका नाम मोह मुद्गर उसका नाम लिखे, बोले देखो मैं ये राजा का शरीर में प्रवेश करते हुए, हैं ये राजा मर गया है, इसको शरीर में प्रवेश कर जाऊँगा, प्रवेश करके फिर वो फिर जिंदा हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा तो फिर रानी को पास में जाएगा, रानी को पास में जाएगा तो वहाँ पर तो अथा ऐश्वर्य, अथा ऐश्वर्य संसार में, कहते रानी को पास में जाएगा तो माया मुग्ध हो जाएगा, तो मुग्ध हो जाएगा, बोले कुछ दिन बाद में फिर तुम लोग को आ करके ना मेरे को ये श्लोक सुना, ये श्लोक ऐसे है जिसका संसार में आसक्ति है, आसक्ति किसी चीज़ में, कि शरीर में आसक्ति, लेकिन ये शरीर किस चीज़ से बनी हुई, टाटी पेशाब खून पीक और कुछ है ही नहीं, और कुछ है ही नहीं, केवल ऊपर में कि चमड़ा है इसलिए बड़ी सुंदर लगती है, पेट को फाड़ कर रखते तो भाग जाएगी यहाँ से, ये शरीर में कुछ है ही नहीं। इसलिए गोस्वामी जी बोले पंच रचित ये अधम शरीर है, ये अधम शरीर है, उन्होंने ये जो गंधा जो शरीर है, उन्होंने ये शरीर कैसे अत्यंत तुच्छ चीज है, ये चीज़ को उन्होंने मुद्गर, मोह को मुद्गर मतलब ध्रुमुस जैसे मार मार कर उसको नष्ट करना। बोले तुम लोग मेरे को सुनाना, जब मैं संसार में आसक्त हो जाऊँगा फिर मैंने छोड़ कर आ जाऊँगा, इसलिए उन्होंने ये मोह मुद्गर बनाया था। और जब उन्होंने उसके शरीर में प्रवेश कर गई, पर जिंदा हो गई, जिंदा हो गए तो जिंदा हो गए तो फिर जिंदा फिर चले गए, तो चले गए। अभी जो रानी है ना वो जानता है उसको पति को, उनको साथ में रहे उनका हाव भाव उनको क्रिया का जानता है, लेकिन शंकराचार्य तो जोगी है, ये तो ब्रह्मचारी है सन्यासी है, ये सन्यासी एक पुरुष का शरीर में प्रवेश किया, तो प्रवेश किया उनको जो रानी वो समझ गया ये लगता है ये कोई महापुरुष है, ये कोई बहुत बड़ा साधु जोगी है, क्योंकि शंकराचार्य है ना कभी कभी एकदम बैठ जाते थे ध्यान में भजन में एकदम उसमें डूब जाते थे कभी कभी उसमें, वो तो अपना पति को जानता है हमारा पति कैसे था, लेकिन किसका जो क्रिया हाव भाव कोई योगी कोई साधु सन्यासी वो समझ गई ये मेरे पास में ज़्यादा दिन रहेगा, इसलिए और शंकराचार्य ने हैं शंकराचार्य ने उन्होंने उनका जो शरीर को उनका शिष्य को बोले बोले ऐसे एक गुप्त स्थान में रखो जिस किसको पता ही नहीं चलेगा मेरा शरीर कहाँ पर है, पता ही नहीं चले, क्योंकि अगर पता चले जाएगा ना अगर उस शरीर को जला देगा फिर ये जिंदा नहीं हो सकता, इसलिए मेरे शरीर को कहीं छुपा कर रखे थे, इसलिए उन्होंने उस शरीर को एकदम गुप्त स्थान पर उनको छुपा कर रखे थे। अभी वो रानी ने दूतों को भेजा बोले देखो तुम लोग हमारे राज्य में ढूंढो कहीं एक शरीर कहीं होगा, उस शरीर को तुम लोग किसी तरह ख़त्म कर दो,
लेकिन लोगों ने ढूंढे लेकिन कहीं मिला नहीं, तो उन्होंने उसे गुप्त स्थान में रख दी। जब उनका शिष्यों ने देखा हमारे गुरु जी तो संसार में लिप्त हो गए, रानी को साथ में और अथा ईश्वर जो हो, तो शंकराचार्य जी ने कहा था देखो फिर हमको ना ये श्लोक आकर के सुनाया। फिर उनका शिष्यों ने जाकर के श्री शंकराचार्य जी को उन्होंने फिर उन्हें श्लोक को उन्हें सुनाया, फिर उन्हें श्लोक को सुनाया शंकराचार्य जी ये श्लोक को सुनकर संसार को उन्होंने तुच्छ कर दिया, संसार को तुच्छ करके फिर उन्होंने जो शरीर छोड़ दिया था ना, ये शरीर में आकर उन्होंने प्रवेश कर दिया, ये शरीर में प्रवेश करके फिर उन्होंने जिंदा, फिर जाकर उन्होंने मुंडन वस्त्र जो स्त्री को फिर रानी को जाकर उन्होंने फिर उन्होंने काम शास्त्र उनको फिर उन्होंने परास्त कर दिया शंकराचार्य। इसलिए इनकी कथा आती है कहते श्री महाप्रभु कहते श्री महाप्रभु को श्री चारुवा भट्टाचार्य जी ने बताए, बोले वेदांत सूत्र को सुना शंकराचार्य जी मोहबुद्धर को सुना, फिर इसी से ही तुम्हारी संन्यास कर्म रखा होगा। फिर उन्होंने बोले ठीक है, तो उन्होंने तो महाप्रभु को सारे वेदांत सूत्र सुनाते थे, लेकिन महाप्रभु को चुपचाप हो गए बैठ कर कथा सुनते थे, लेकिन कुछ बोलते नहीं थे। बोले तो कुछ हाँ ना नहीं बोल रहे हो, क्या बात है, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं। बोले हाँ आप जब शुक्र बोलते हैं ना कि सूरज जैसे, इसका तो अर्थ मेरे को एकदम स्पष्ट पता चलता है, लेकिन आप इसको जो व्याख्या करते हो लगता है ऐसे जैसे सूर्य को जैसे मेघ ढक दिया है। बोले भैया व्याख्या होता है उसको सूत्र को समझाने के लिए व्याख्या होता है, और तू कह रहे हो व्याख्या समझ में नहीं आ पता और सूत्र समझ में आ रहा है। फिर उन्होंने एक श्लोक को आत्मा रामस्तम निर्गंथ अभिक्रमे कुर्बन अहित की भक्ति बताया, मतलब है इसी श्लोक को उन्होंने नौ तरह का व्याख्या सार्वम भट्टाचार्य जी को अलग अलग अर्थ अलग अलग अर्थ व्याख्या की। जब व्याख्या की तो महाप्रभु बोले मैं थोड़ा व्याख्या कर सकता हूँ। बोले तुम क्या व्याख्या करोगे, पृथ्वी में मेरे जैसे कोई विद्वान जगत में है ही नहीं, उनका नाम ही सार्वभौम, सार्वभौम मतलब क्या, सारे पृथ्वी के ऊपर में कहते बड़े बड़े सन्यासी को उच्चा उनको जो संप्रदाय में दीक्षा देने वाले उस समय, क्योंकि ये बृहस्पति साक्षात है, कहते ये बृहस्पति है। बोले तुम क्या व्याख्या करोगे, बोले आधे से दो गति का बोल सकता हूँ। फिर उन्होंने नौ तरह का किया था उन्होंने, और जो किया था उन्होंने भगवान निराकार निर्विशेष ब्रह्म ज्योति रूप गुण लीला है नहीं, इस रूप में महाप्रभु भक्ति वर्ग व्याख्या की, उनको व्याख्या को उन्होंने स्पर्श तक भी नहीं किया, अठर तर्क व्याख्या किया। उसको सुन करके पृथ्वी में सबसे बड़ा विद्वान नहीं, मेरे जैसे कोई विद्वान नहीं, लेकिन मेरा तो कोई एक एक व्याख्या को उन्होंने स्पर्श तक भी नहीं किया, उन्होंने तो संपूर्ण अलग व्याख्या की है और भक्ति वर्ग व्याख्या किया। तो समझ गए कभी भी एक साधारण जीव में इतने ज्ञान कभी हो ही नहीं सकता। तू सखा तो बृहस्पति है, देवगुरु बृहस्पति जो देवताओं को पढ़ाने वाले, उनसे बड़ा विद्वान कौन हो सकता है। अगर तो उनके चरण गिर गए बताओ अब एक बार। फिर महाप्रभु ने उनको सड़भुज रूप में उन्होंने दर्शन दिया है, जब सड़भुज रूप में दर्शन दिया फिर तो उन्होंने 100 श्लोक में उनको स्तुति दी। 100 श्लोक में उसका पहला श्लोक है वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थ मेक पुराण पुरुष श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपा प्रभु। आप कौन हो, बोले वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, जो वैराग्य विशेष गुरु ठाकुर जी के चरण में जो अनुराग है, और जो वैराग्य विद्या और भक्ति योग को शिक्षा देने के लिए साक्षात पुराण पुरुष जो भगवान कृष्ण रूप में आप अवतीर्ण हुए हैं, इसलिए प्रभु आपका चरण में शरणागत होता हूँ। 100 श्लोक में स्तुति की, स्तुति करने का बाद सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं प्रभु पहले में कौआ था, कौआ जैसे का 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 करता था, ऐसे पूरी दुनिया की भगवान निराकार में जिसे जो ईश्वर में ऐसे का का था, पहले में नीम फल खाता था, लेकिन आप तो कौआ को आपने गरुड़ बना दिया, पहले में कौआ बनकर नीम फल खाता था, आप मेरे को तो कोयले बना दिए हैं, कोयले बना दिए। जब उन्होंने भक्ति की महिमा को उन्होंने समझे महाप्रभु का कृपा से, फिर तब भी उन्होंने राय रामानंद के महत्व समझे,
राय रामानंद का महत्व क्यों? राय रामानंद विशाखा सखी, वो जैसे रसपरक व्याख्या करते थे, भगवान की मीठी मीठी लीला, मधुर मधुर लीला बोलते थे, लेकिन कोई मायावादी है ना, भगवान का जो स्वरूप को अनित्य मानते हैं, भगवान का लीला को अनित्य मानते हैं, तो कोई ब्रह्म ही, ब्रह्म जब भगवान को पकड़ लिया, वही ब्रह्म ही अभी किए भगवान रूप में आ गए, इनका जितना लीला अनित्य, इनका जब शरीर चले जाएगा ना, छूट जाएगी, फिर जाकर के वही ब्रह्म ही ये आए कृष्ण राम रूप में, और बाद में जाकर फिर ये ब्रह्म मिले, इसलिए उनको लीला को ये अनित्य मानते, लीला को नित्य मान नहीं मानते, लेकिन हम लोग लीला को नित्य मानने वाले, भगवान की लीला नित्य है अभी, इसलिए वो प्रभु की नित्य लीला को, भगवान की मधुर मधुर लीला को व्याख्या करते थे, कृष्ण कैसे सुंदर, राधा रानी कैसे सुंदर ठाकुर जी लीला करते हैं, कैसे अद्भुत ठाकुर का महिमा है, अद्भुत ठाकुर जी की महिमा है, लेकिन वो अनित्य मानता था। जब महाप्रभु का कृपा से जब उन्हें बदल गए, अभी समझ गए भैया राय रामानंद इतने बड़े रसिक हैं, मैं तो इसको खिली उड़ाया करता था, ये क्या सब भगवान का लीला है, क्या मधुर बोल रहा है, लेकिन अभी मैं समझ गया राय रामानंद कितने बड़े रसिक भक्त। जब महाप्रभु दक्षिण यात्रा कर रहे थे, तो महाप्रभु को सार्वभौम भट्टाचार्य बोले, बोले प्रभु आप दक्षिण यात्रा कर रहे हो ना, अगर ये पृथ्वी में आपका कोई उपयुक्त अगर कोई संगी हो, केवल एक व्यक्ति आपके संगी, बोले कौन है, बोले से राय रानी, आप जरूर हर महाप्रभु इसलिए जा रहे हैं क्योंकि महाप्रभु का, महाप्रभु तो भक्त लोग हैं, दक्षिण में जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी, प्रभुदानंद सरस्वती, वेंकट भट्ट है, राय रामानंद, महाप्रभु का परिकर, महाप्रभु जा रहे हैं सारे भक्तों को एकत्र एकत्र करने के लिए, और राय रामानंद साथ में मिलने ही विशेष करके महाप्रभु जा रहे थे। तो क्यों जा रहे, कारण क्या है, गुरुदेव उसका कारण कहते हैं, कहते तो महाप्रभु जगत में आए क्यों, इसलिए आए, बोले उसको चार ही कारण बताए। पहला कारण है कलियुग का जुगा धर्म हरिनाम सुनना, ये एक साधारण कारण है, कहते उसमें चार ही कारण है, दो उनके मुख्य दो गौण, दो गौण में, दो गौण कारण में, जो गौण में जो गौण है साधारण है, कलियुग का जुगा धर्म हरिनाम संकीर्तन है, इसलिए महाप्रभु इसलिए जगत में आए ये जुगा धर्म हरिनाम संकीर्तन को प्रचार करने के लिए, कहते ये एक कारण है। कहते उसमें विशेष कारण क्या है, कहते हैं महाप्रभु ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आकर के जो अनर्पित चरी चिराग करुणया वर्ण कलो समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसान सौभक्त से, महाप्रभु ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आकर के वो ब्रज प्रेम को, वो निकुंज सेवा को प्रदान करते हैं, जो निकुंज सेवा के लिए कहते प्राण पृष्ट सती कुलाद विकील असम कुछ, जिस लीला में ललिता विशाखा आदि सखियाँ भी जिस लीला में प्रवेश करने के लिए संकोच बोध करते हैं, लेकिन महाप्रभु जो मंजरी भाव राधा रानी को पाल्यदासी भाव देने के लिए आए, वे लोग आसानी से वो निकुंज की सेवा की अधिकार प्राप्त हैं। कहते उसका जो उसमें जो मुख्य में जो गौण हैं, कहते श्री अद्वैताचार्य हैं, अद्वैताचार्य कैसे उन्होंने महाप्रभु को तुलसी दल दे करके महाप्रभु को कैसा आह्वान किया, और महाप्रभु के जगत में प्रकट हुए, और प्रकट होकर के इस जगत में भक्ति प्रचार किया, और जो मुख्य है वह राधा रानी के प्रेम की महिमा किया, और राधा रानी कैसे कृष्ण प्रेम रस का आस्वादन करती, और कृष्ण की माधुर्य किया है, कृष्ण की माधुर्य किया है। कहते महाप्रभु ये चार कारणों को लेकर के आए, इसमें जो मुख्य कारण है राधा जी की प्रणय महिमा की सब, तो राधा रानी की जो प्रेम की महिमा, जिस प्रेम महिमा महिमा को देख करके कृष्ण स्वयं चमत्कृत हो जाते हैं, है किस समय प्रेम सरोवर में राधा रानी कृष्ण की गोद में बैठी हुई थी, हैं गोद में बैठी हुई थी, बैठते हुए इतने में एक भंवरा आकर के राधा रानी गले में कमल की फूल थी,
भंवरा आकर के बैठने के लिए कोशिश कर रहा था। राधा रानी डर रही थी। कृष्ण मधुर मंगल बोले, ये भंवरा तंग कर रहा है, उसको दूर भगा करके आ जा। वो लठिया लेकर दूर में भगा करके आ गया और आ करके बोले, बोले कृष्णा, बोले राधा रानी को, बोले मैंने मधुसूदन को बड़ी दूर तक हमने भगा करके आ गया, मधुसूदन और यहाँ आ ही नहीं सकता। राधा रानी गोद में बैठी हुई है राधा रानी, लेकिन उनकी प्रेम कैसे चमत्कारी था। बोले मधुसूदन को इतनी दूर से भगा करके आए, भोरा का नाम मधुसूदन, कृष्ण का नाम भी मधुसूदन, बोले इतनी दूर भगा करके आए, कृष्ण आ ही नहीं सकता है, फिर मैं कृष्ण से मिल ही नहीं सकता हूँ, हाँ कैसे उनको मिलन में भी विरह कैसे होता है। वहाँ वहीं पर श्री राधा रानी वहीं पर हा कृष्ण करते करते वहीं पर राधा रानी बेहोश हो जाती है। तब कृष्ण सोचते हैं, राधा रानी मेरी गोद में बैठी हुई, देखो इनकी प्रेम की कितनी चमत्कारिता है, कितनी चमत्कारिता है, जब मैं नहीं रहता हूँ ना, राधा रानी वेग को देख करके मेरे स्वरूप मान कर बात वार्तालाप करती हैं, तमाल वृक्षों को देख करके आलिंगन करती हैं, हैं और उसको और मेरे साथ में जैसे बात करती, लेकिन मेरे पास में ही उनके अंदर में कैसे विरह अवस्था है, हैं कैसे की विरह अवस्था है। इसलिए महाप्रभु इस राधा जी जो ये जो प्रेम की जो चमत्कारिता राधा रानी की है, राधा रानी के अंदर में जो भाव महाभाव बदना क्या उठाई तो उठाए तो किलकी जी की जो भाव रूपो गोस्वामी जो वर्णना किया है, इसको देख कर कृष्ण स्वयं चमत्कृत हो गए हैं। तब मुझे जो आनंद मिलता है राधा रानी को, इससे करोड़ों गुण ज़्यादा आनंद मिलता है, करोड़ों गुण ज़्यादा आनंद मिलता है, एक दस दो बीस नहीं, एक करोड़ गुण ज़्यादा। कृष्ण सोच रहे हैं, जब तक मैं इस जगत में राधा जी की भाव अंग कांति लेकर के नहीं जाऊँ, तब तक ये चीज़ को मैं समझ नहीं सकता। इसलिए कलयुग में राधा जी की भाव अंग कांति महाप्रभु लेकर के आए। इसलिए अभी महाप्रभु आए, लेकिन बगैर गुरु के तो ज्ञान नहीं हो सकता है ना, बिनु गुरु भवन तो जो बिरिज शंकर समय हैं, इसलिए बगैर गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता है। अभी कोई गुरु तो चाहिए, अभी गुरु किसको बनाए, इसलिए गुरु अभी किसको बनाए, अभी जितने पढ़ाई हाई फाई होना, गुरु भी हाई फाई होनी चाहिए ना, और साधारण पढ़ाई तो है नहीं। और जिस प्रेम को कृष्ण स्वयं नहीं समझ पा रहे हैं, वो दुर्लभ प्रेम है, वो दुर्लभ प्रेम है, वो दुर्लभ प्रेम को पाने के लिए दुर्लभ गुरु भी चाहिए ना, जो ऊपर पाठ पढ़ाए। तो उन्होंने देखा कौन है, बोले श्री राधा, बोले क्यों, कहते ये अनुराधा है, हैं कहते विशाखा, ये विशाखा सखी है, हाँ विशाखा है, ये विशाखा है, और उनमें ललिता की अंश है, अर्जुन सखी का अंश है, राय रावण इनके अंदर सब है, कहते इनके अंदर में, कहते कभी कभी जब राधा रानी नहीं होती है ना, कृष्ण कभी कभी विशाखा को राधा जी की स्टेज पर रख करके उसको साथ में कृष्ण लीला विलास करते हैं, राधा जी की जो रोल को ये विशाखा कभी कभी उनको रोल करते हैं, इसलिए ये अनुराधा है। अनुराधा मतलब राधा जी के जितने सारे गुण हैं इनके अंदर में विद्यमान हैं। इसलिए देखा इनको ही गुरु बना करके, अपना प्रेम गुरु इनको ही बना करके घर में ये रसास्वादन कर सकता हूँ। इसलिए महाप्रभु जा करके फिर राय रामानंद से फिर वहाँ पर मिलन होता है, फिर वार्तालाप होती है, फिर क्या होता है ना, फिर हम इसको कल से सुनेंगे, ठीक है। ललिताय गौर परमानंदे हरि हरि।